हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग, कैसे आप सब? और मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक है। बट मैं आप लोगों सबको बतला दूँ कि मैं थोड़ा सा ठीक नहीं था, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला ना, तो लगभग आई थिंक 1 मंथ ना 1 मंथ हो गया कि मेरा वीडियो नहीं डाला वाला ना। तो उसमें कारण ये था कि मतलब कुछ हो गया था कुछ हो गया था, मतलब क्या बताएगा, मतलब ऐसे वाला फीलिंग था, मतलब दिल का बात दिल ही जाने, मतलब लंबा है सफ़र कहीं रात तो होगी, वो वाला गाना का जैसा हो गया था, लंबा है सफ़र इसमें कहीं रात तो हो गया ना। मतलब देखो ना, थर्ड सेमेस्टर आते आते पता नहीं क्या, मतलब क्या हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि यह आए मतलब ठीक से, अभी तो ट्रैफिक इस बार पड़ेगा ओके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पढ़ाई में भी सेकेंड सेमेस्टर में इधर उधर हो गया था, तो उसमें मार्क में भी रिजल्ट में भी अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं था, तो इस बार तो अच्छा से पढ़ेगा ओके, एकदम धर्म से, मतलब सब कुछ तैयारी में ठीक है। उसके बाद ये सब हो रहा शुरू हो गया, चंग 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 चंग, कहीं ना कहीं में मतलब फैमिली प्रॉब्लम भी है, तो फैमिली प्रॉब्लम साथ में फिर यह पिछले बार का जो फीलिंग, मतलब पिछले बार का जो ये था एटमोसफियर था, इस बार नहीं रहा, इससे क्या ऐसे दुखी, मतलब ना वीडियो बनाने का मन, ना खाना खाने का, खाना भी डालते इसलिए हम थोड़ा देखो यह हमें थोड़ा पतला भी हो गया होगा, कपड़ा भी पूरा लूज हो गया, जिसमें हम पहले एक एक अकेला पहनता था, तो उसमें अभी दो इंसान घुस सकेगा ऐसे हो गए, फिर थोड़ा दुखी में चला गया, खाना भी नहीं घुसते, समझ रहा होगा, मतलब जो ये स्टेज से गुजरा ऑटोमेटिकली सुन के समझ में आ रहा होगा, खाना भी नहीं घुसा था देख बताने मन नहीं कि कभी तो उसका अलग से वीडियो बनाएगा कि हम अभी कितना इतना दिन से क्यों वीडियो नहीं बना रहे, उसका रीज़न बता रहे, मेरा लाइफ ऐसे जा रहा था, तो ऐसे हो गया उल्टा होकर जाना शुरू हो गया, तो इनसे वीडियो भी बनाने मन नहीं, मतलब वीडियो भी तो कब बनाता है, मतलब जब दिल हल्का हो रहा है ना, मतलब एक खुशी दुखी होने से भी बनाते हैं, बट मतलब वो वाला रियल वाला दुखी होने से नहीं बना पाता है ना, ऐसे दिल बह दिया था, मतलब उठने का नाम ही नहीं रहता तक दिल बह दिया था, अभी भी है लेकिन बट अभी बस जस्ट मतलब कंट्रोल कर सके अभी, मतलब हाँ ठीक है थोड़ा, मतलब ना ऐसे वाला है, तो यही था मेरा वीडियो नहीं डालने का रीज़न। सब बस भी पूछे क्या हो गया, इवन तो मेरा सब्सक्राइबर भी डाउन हो गया, मतलब ज़्यादा तो नहीं है पर भी एक दो सब्सक्राइबर डाउन हो गया, ऐसे मत करो प्लीज़, आप वीडियो बना के डालेंगे, और एक दोस्त बोला है टेक्स्ट भी करके, अरे तवा दोस्त तवा ही तो बुलाता ना, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, क्या हो गया, वीडियो बनाओ, हम बस जस्ट ऐसे स्माइल देखे डालेगा बनाएगा, आजकल कुछ दिन अच्छा चल खास नहीं चल रहा, सबको बताते नहीं फिर बताते फिर तो मतलब सबको नहीं बताते फिर सकते हैं ना कि मेरे से तो हो गया, हाँ काफ़ी इंसान को बताया है मैंने, बट एक्चुअल में क्या हुआ है, कहानी तो बताया है, ठीक है कहानी तो बताया, लेकिन इधर उधर ज़्यादा डिटेल भी तो नहीं बताया, लेकिन तो बताने से दिल हल्का होता है तो ना, तो इससे बेस्ट बदी लोगों को तो थोड़ा थोड़ा करके बताया, बट उन लोग को ऐसा कोई पुल बता, मतलब पुल बताने का क्या लाइक ही नहीं है, मतलब हम ज़्यादा ही मतलब कुछ चीज़ को हम ज़्यादा ही मतलब ले लेते हैं ना, मतलब जिसमें दुखी नहीं उसमें भी दुखी हो जाए, कुछ भी खाना नहीं खाने से भी दुखी, खाना खाने से भी दुखी, हम आज इतना क्यों खा ले ऐसे वाला ही, तो इतने उसमें बात नहीं था, मतलब इसी ने सोचना कि क्या हो गया, हम ठीक है पाइन, मतलब अभी मतलब दिल में लगता है बट नॉट दैट मच, उस दिन हम डिप्रेशन में चला गया था, तेजपुर जाएगा सोच रहा था खुद को, खाना भी नहीं घुस रहा है, क्या हो गया खाना नहीं घुस रहे, आदमी बोलते फिर तो एक्टिंग करे है, एक्टिंग करने से ना हम ये बतला देगा, एक्टिंग करने से मतलब पतला नहीं हो जाता है, खुद सब मालूम ही है, थवा क्यों पतला हो गया, क्या के लिए पतला हुआ है ठीक है, इतना ऐसे हो गया ऑब्वियसली देख रहे हैं, मतलब हम ऐसे हो गया बोल के बताते,
फिर तो हो तो तुम एक्टिंग कर रहे है, आदमी एक्टिंग करके कैसे पतला हो सकता है? खाना नहीं खाया और के बहाना बना सकता है? ठीक है, खाना नहीं खाया और के बहाना मार सकता है, यो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, नहीं मन नहीं है, दुखी है, वो सब आदमी बोल सकते हैं। बस रियल में दुखी होने से ना, अंदर से दुखी होने से, दिल से दुखी होने से पतला ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब उसमें इधर का इधर का इधर का हो ना। तो ऐसे हो के थोड़ा सदमा में था, तो अभी फिलहाल अभी बनाते जाएगा, ठीक है, आप लोग का साथ रहेगा तो बहुत हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी पागल जैसा आप लोग से बात किया करेगा। तो ये मैं मतलब आप लोगों को तो अभी फिर अपलोड होगा तो तब आप लोग से हम बात करने लगते हैं ना, बट अभी तो सिंगल सिंगल में ही आप खुद से फ़ोन से आई खुद से बातें कर रहा है, कभी कभी पागल वाला फीलिंग भी आता है, पर हो जाए। आप लोग वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे, हमें पता है, और करते रहेंगे और आगे बातें साटे एकदम। अभी तो गपशप ना, एकदम कहानी बताएगा हम क्या 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 पूछना, ये जो पूछना ना, बट वो सब कुछ तो मतलब वो सब तो नहीं बता पाएगा पर भी। और अभी हम वीडियो क्यों बना रहे हैं पता है, दोस्तों को ऐसे नहीं बोल देगा, बट बोलना नहीं चाहिए ना, अच्छा इंसान बने रहे हो। तो वही हम बता रहा था कि बहुत दिन से आदमी पूछ रहा था, मतलब दोस्त लोग पूछ रहा था, और मेरे प्यारे दर्शकों आप सबका मतलब प्यार मिल रहा था, अरे धाबा तेल क्यों नहीं बना रहा, धाबा क्यों वीडियो नहीं बना रहा ना, तो वीडियो नहीं बनाने का कारण वही था, मतलब थोड़ा सा सदमा में चल गया था, थोड़ा सा स्टेप तक चला गया था, मतलब अभी भी होता है ऐसा, बट अभी तो ठीक है, मतलब खुद को संभाल पा रहे ना, तो सीन तो ऐसा हो गया था, खुद को क्या हो गया ऐसे यार दिल में लगते हैं ना, जो ये स्टेज से गुजर, आजकल तो लेकिन मोस्ट ऑफ द यूथ्स वो स्टेज में गुजर रहे हैं ना, जिसको भी स्टेज में डालते वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसे वैसे मेरा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, सबका अपना लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर किसी का पास है, कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि वो ऐसे कर रहा वैसे कर रहा, हम अभी शांति की घूम रहे हैं, उनसे एक्टिंग नहीं दिखावा नहीं है, मेरा अंदर में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए घूम रहे हैं। और भी तो ना, ये देखो अभी मान लो अभी उसी दिन हम दो इंसान से बहुत इरिटेट लगता था, वो भी बताया उसका कहानी सुन के तक ऐसे हो गया, रोने मत हो गया, मेरा ऐसे आंसू टपक नहीं वाला था, हम और सॉरी ऐसे नहीं बोलेगा, लड़का है लड़की है नहीं बोलेगा, वो तो उसको बहुत इरिटेट लगता है, बहुत इरिटेट देखने से चाकू गोप देखने लगते हैं, तो सब अपना अपना कहानी बताए, सॉरी दोस्त, हाँ मतलब तुम मालूम है हम मालूम है, नाम तेरा नहीं लेगा, कहाँ का है कैसे भी वो भी नहीं बताएगा, कि तुम पता है तो ना, तुम पता है मतलब तुमको ही बोलेगा, तुम वीडियो भी देखेगा, ठीक है, तो सॉरी दोस्त, हम आपको नहीं समझ पाया ना, हम सोचता था मतलब ये तो ऐसे है वैसे, मतलब बहुत इरिटेट लगता था, बट तेरा पीछे का कहानी सुन के बस तुम वो सब क्यों करता है बोलने से, एक पल का हंसी के लिए करता है, ठीक है, एक पल का हंसी के लिए करता है, ऐसे होने से सबका प्रॉब्लम सोचता, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है सबका ना, मतलब ऐसे वो जो ऐसे दिखावा के लिए करता है ऐसे सोचता था, बट सॉरी दोस्त, सबका दिल में सबका साथ ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है ना, कोई हंस रहा है तो उसका हंसने का वजह भी पीछे का, मतलब हंस रहा है तो उसका वजह है ना, कोई रो रहा है तो उसका भी वजह है, इसलिए जो भी ये दुनिया में मतलब ऐसे करता है, मतलब कोई मतलब ऐसे नेगेटिव मत ले दो, हर किसी का अपना तो मजबूरी है ना, हर किसी का। और एक दोस्त मेरा सा भी दो तीन ऐसे दोस्त हैं, उसको भी बहुत इरिटेट लगता था, हम फर्स्ट वाला हो भी है हाँ, सेकेंड पास वाला का भी बहुत इरिटेट, हम क्या क्या बोल के नंबर सेव नंबर में भी पूरा पिछले साल में ऐसे ऐसे करके सेव किया था, तो उस दिन हम लकीली डिलीट किया था, मतलब वो उसका नंबर का डिलीट यानी कि नाम उसका नाम से असली नाम पर हम सेव कर दिया था मोबाइल में ना, ठीक है, तो लास्ट में वो कहानी वो भी हम कहानी बताए, हमें मेरा ऐसे है ना, इसलिए हम खुशी रहने के लिए वो सब करते हैं, दुखी मतलब ये सब पहले से मतलब तुमका जैसा नॉर्मली जिया है बोलने से हम बहुत दुखी रहेगा, इसलिए हम वो सब करते हैं, हाँ समझ गए दोस्त, इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। हम तो कुछ अलग ही मतलब सोच रहा था, मतलब ना इतना क्या एक्टिंग, मतलब वो तो बोलने से समझ जाएगा, मतलब नहीं बोलेगा
दिखने ही मन नहीं, इतना क्या एक्टिंग करते ऐसे टाइप से सोचता था। मत सॉरी तुमको भी दोस्त, इसलिए हर किसी के साथ ना सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, ऊपर वाला है ना सबका, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम देते रहते हैं। बट ये जान लो कि मतलब जो मान लो अभी हम लोग को इम्तिहान ले रहे तो एक लेवल से पार किया तो दूसरा तगड़ा वाला देगा, तगड़ा वाला देगा, क्यों तुमको ऐसे दे रहे बोले से, और हम लोग को ऐसे क्यों दे रहे बोले से, समझ लो कि मतलब हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं ना, जो भी आगे में मतलब जितना भी कठिनाई आया, और हम लोग को ये सब क्यों डाल रहे बोले से, मतलब हर किसी का प्रॉब्लम जान सकेगा हम लोग ना, हर किसी का प्रॉब्लम जान सकेगा। अभी हम मान लो हम जब तक उसको पर्सनली मतलब हर चीज़ को, लेकिन पर्सनली फील करना जरूरी नहीं होता है, बट हम उसको पर्सनली फील करेगा ना। इफ़ समवन टेल मी अबाउट दिस 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 ना स्टोरी ना, तो कोई स्टोरी टेल करेगा हमको, हमको स्टोरी टेल करेगा, हमको बताएगा, ठीक है, तो हम हाँ ऐसे समझ सकते हैं हम उसका दर्द को, दुख दर्द को ना। बट जब तक हम उसको फील नहीं करेगा ना, फील नहीं करेगा तो तब तक हम तो उसको समझेगा नहीं, क्या बोल रहे हैं, मीनिंगलेस ऐसे हो जाएगा ना। बट इसलिए हम कभी कभी ऊपर वाला को थैंक यू भी बोलते हैं, बस हमको थोड़ा सा ताकत दो ना, ठीक है, मन ही मन में प्रार्थना भी करते हैं हमको बस थोड़ा सा ताकत दो इससे, ये कठिनाई से यहाँ से गुजरने के लिए थोड़ा सा और थोड़ा शक्ति दो, हम गुजरने ही वाले तो थोड़ा शक्ति दो। और हम ये सब क्यों इतना भी जैसे वीडियो नहीं डरते, पता है कि घर वाला सस्ते या पढ़ने पड़ेगा, मतलब मम्मी पापा को, क्योंकि मेरा भी तो जिम्मेदारी है, तो मम्मी पापा के लिए इतना हम मेरा लिए खर्चा कर रहे, तो मम्मी पापा के लिए मतलब हम एक बेटा है, शरीफ है, शरीफ वाला लौंडा है। हाँ मानते हम नबी नहीं है, बट देखो ना कहीं में है ही ना, तो वो हम ही जानते हैं, तो अब कैसे सोचते हैं हमको उसको फ़र्क पड़ता है तो नहीं बोलेगा, बट कैसे सोचते हैं हमको भी पता नहीं, तो सबका अपना अपना मतलब देखने का नज़रिया अलग अलग होते हैं। तो मम्मी पापा के लिए तो ऑब्वियसली उसका बेटा, उसका बेटा तो मतलब शरीफ और ऐसे ऐसे है बोल के, और मम्मी को हमको पता है, मम्मी पापा को तो कैसे बताएगा ना ये सब में मतलब ना, तो इसलिए हम इतना वीडियो नहीं डाला था, नहीं तो हम फूट फूट के रोना था, मैचिंग नहीं होना था, बट भी दिल दिल का अंदाज से मतलब वो होता है तो दुखी होता है, तो उसको रोके तो वो कर सकते हैं ना। फिर खुद के लिए भी पढ़ना है, घर में हॉस्टल में या अकेला बैठने से कहीं ना कहीं में मतलब याद आ रहा होता है, और दोस्तों के साथ फिर घूमने से पढ़ाई नहीं हो रहा है, होता है ना ऐसा, इसलिए पूरा पागल ही बन जाता है ऐसे मतलब। पर कोई नहीं, कोई भी चीज़ ये दुनिया में परमानेंट नहीं होती, तो ना टेम्पररी होते हैं, तो वो भी चीज़ गुजर जाएगा, ये भी चीज़ गुजर जाएगा। और इस बार उस दिन मम्मी भी पूछ रहा था इतना क्यों दुखी रहे हो, पिछले साल भी तो इतना अच्छा से बैठे हैं, तो हम भी सोचे ऐसे हम क्यों इतना दुखी हो रहे इस बार ना, वो बात तो अलग है, हम इतना क्यों दुखी हो रहे हैं, तो हम उस दिन रियलाइज हुआ है नहीं, हम पिछले साल तो इतना घर जाता था ना कि उसमें घर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो कुछ कुछ के लिए काम के लिए भैया जो बुलाते रहता था, तो पिछले साल तो हम इतना बार कर गया लाइक मंथ में 3-4 times गया ना, तो ऐसे हो गया पिछले साल तो हम जाते रहता था। और इस बार कभी गया ही नहीं जब से आए, इसलिए भी हो रहा था, और साथ ही साथ में वो चीज़ भी तो हो गया ना, समझ जाओ दोस्त लोग वो चीज़, क्योंकि हम अभी दोस्त लोग अभी मान लो जैसे एक बेटा का तौर पे बेटा मेरा मम्मी पापा का अलावा उसके लिए हम बेटा बेटी है, ठीक है, मेरा भैया के लिए भाई है, एक अच्छा बड़ा भाई है, बट जो समाज के लिए हम एक तो लड़का है, तो मेरा साथ भी जो होगा जो सबका साथ होता है वो तो होगा ही ना, दोस्त मिलेगा, प्यार मिलेगा, कि जो नॉर्मली इंसान का साथ होता है, ठीक है, तो हम भी एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, सबका साथ इसका साथ लड़के के साथ में प्यार होगा, दोस्त मिलेगा, दोस्त हमको कोई धोखा देखे जाएगा, ख़राब इंसान मिलेगा, अच्छा इंसान मिलेगा, तो वही है लाइफ ना, ठीक है, तो उसमें मतलब अजीब लगने वाला बात भी नहीं है ना, शेयर कर सकते हैं हर चीज़ को ना, तो इसलिए हम सोचे आज वीडियो बना देगा, इतना दिन से वीडियो नहीं बना, लगभग 1 month
वन मंथ पार हो गया ना पहले का वीडियो बनाने वाला भी, उसमें भी थोड़ा सा हम दुखी में था पर भी हम वीडियो बनाए, मतलब बनाने रखने वाला बना के रखने वाला को उसको हाँ अपलोड मार रहा, ठीक है। लेकिन बट अभी ऐसे भी हो गया कि मतलब कैसे, मतलब बहुत दुखी में था और साथ ही साथ में मतलब रिचार्ज भी हम वो वाला नहीं डाला है, मतलब ज़्यादा एमबी वाला, ठीक है, क्योंकि वीडियो अपलोड मारने के लिए इतना एमबी चाहिए होता है ना, यहाँ एमबी चाहिए होते हैं, 3, 4, 5, 6 एमबी चाहिए होते हैं, जीबी चाहिए होते हैं, तो इसलिए भी हम नहीं डाल रहा था। और सबसे मेन रीज़न तो ये है, दुखी होकर नहीं डाल रहा था। बट अभी से आप लोगों के साथ उतार रहना चाहता है नाम ना, आप लोगों के साथ रहेगा तो हम अच्छा होगा, बेहतर होगा, हमको अभी फील ऐसे हो रहा है, मतलब अच्छा है, अच्छा हो जाएगा, आप लोग के साथ रहेगा, आप लोग कुछ कुछ पूछेगा, हम जवाब देगा और आज भी देखो ना, अंग ये अंग जो ना बहुत दिन से ये अंग जो परसों से नर्सों से दर्द दे रहा था, तो हम देखो ना ये फूला तरह फूला है ना, देखो क्यों दर्द दे रहा है, आज मेडिकल गया, हम आई ड्रॉप ले लेगा, ओके फार्मेसी में पूछा है तो डॉक्टर कंसल्ट करके ले लो ओके, ठीक है, तो ले लो ओके बोला है तो हाँ ठीक है। तो उसमें अभी तो दुर्गा पूजा चल रहा है, चिट्ठी चल रहा है, तो उसमें इमरजेंसी केस में इमरजेंसी वार्ड में देखो ना दोनों हाँ जैसे फूल के दोनों चाँग चो, तो आज से अभी से दर्द दिए आज से, तो ये तो पहले से था, देखो फूल के ये पार जो ना, तो क्यों गए वहाँ गए तो रीज़न क्या बताए पता है हम खुद में ही अंदर में ठीक से हंसी भी लग रहा था, और मतलब रीजन क्या है उनके सर को और भी अच्छे से जानने के लिए कोशिश कर रहा था, आंख बोला मतलब आंख का बोला सर ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहा था, आज मेडिकल किया था ये बर्किंग पटेल हॉस्पिटल ना, तो उसने क्या बोला है सर जो जो हम लोग यहाँ में आंसू का जो ग्लैंड होता है बोला ना, वो ग्लैंड से मतलब आंसू ज़्यादा ग्लैंड जो मतलब दुखी का इमोशन का कारण से आंसू ज़्यादा रिलीज कर रहे और हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना आया तस्सी लग रहा था उसको, अरे सर पकड़ लिया क्या हमको आज क्या मतलब उसी से दुखी में था ना, तो वैसे ओके आंसू जो बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, तो उसमें गंदा आंसू जो पता नहीं समथिंग डेथ्स कि आंसू जो रह जाते हैं, आंसू जो रह जाते हैं अंदर में ना, मतलब बाहर भी नहीं निकल, अंदर भी नहीं निकल, कि खून भी ऐसे होता है बोलते हैं ना बॉयल जहाँ में निकलता है खून एक जगह में गंदा खून जम जाने से वो इधर उधर पास नहीं हो रहा तब तो बॉयल निकलते वाला ना, तो ऐसे इसमें भी वही लॉजिक था कि मतलब आंसू जो नहीं निकल के या तो उसमें कुछ कुछ होके इन्फेक्शन हुआ है बोल के, या तो ज़्यादा रो दिया होगा, ज़्यादा रोया तो नहीं है बंदा सख्त लौंदा है ना, तो नहीं रोए बस दुखी लगता है, तो दुखी लग रहे थे तो वो ग्लैंड जो शायद इमोशनल ग्लैंड तो वो रिलीज करते हैं, तो ऐसे ओके कुछ हुआ होगा, तो आंसू वाला आंसू के लिए जो ग्लैंड होता है वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, तो टीयर ग्लैंड जो है वो सब रिलीज करते हैं, बट वहाँ से पास नहीं यहाँ नहीं निकालने से, तो यहाँ में रह जाके या में गंदा ऐसे देखो या में ये वाला पार्ट में आईब्रो या में नीचे में फंस जाते हैं, ठीक है, बस के वो जो बॉयल बन जाते हैं गंदा हो जाते बोले, तो कभी कभी इसलिए रो भी लिया करो हमने रो के ऐसे हो गए होते, इसलिए हमको अराउंड 700 ऐसे कुछ दवाई दिए, तो पेन क्लियर वगैरह भी दिया उसको, लेकिन नहीं लिया जस्ट आई ड्रॉप जस्ट सिंपली ले लिया ट्राई करके देखिए, मतलब दिखने वाले से तब तो लेना पड़ेगा कि तो का गमंग पैसा नहीं था ऐसे तो नहीं है एग्जस्ट करके ले सकना था, पर वो सब पेन क्लियर वगैरह भी खा के पैदा तो नहीं ना कि हम इतना भी तो दर्द नहीं किया या हम मरने वाला है, ऐसा तो नहीं है, बस नॉर्मली था इसलिए दवाई ववाई ले लिया आज, तो आप लोग से हम बातें करते रहेंगे आज से, मतलब हर एक दिन में नहीं सकते हम पहले हर एक दिन में डालता था, तो मीनिंगलेस हो या चाहे मीनिंग हो हर एक दिन में बहुत जोश में था फर्स्ट सेमेस्टर में और बहुत अच्छा भी लगता था, और हम आई थिंक सेकेंड थर्ड सेम में भी आके बनाया ना, पर थर्ड सेम में भी आके बनाया बस्ती का भी पूरा बनाया, बट यहाँ में आके एटमोसफियर ऐसे चेंज हो गया मतलब देख ना, तो खाना खाने का मन ना सोने का मन, सोने से भी इधर उधर हो रहे हैं, समझ रहा होगा जो गुजरा है वो, उसको हम इतना एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, पूछने से बाद में पर्सनली पूछो उसका जवाब देगा हम अलग अलग से, हर कोई पूछने से अलग अलग से जवाब देगा क्यों है कैसे, अभी तो वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो पहले से ऐसे ओके बहुत दुखी में था, फिर
आजकल मेडिकल में भी ये तो वो भी वही टॉपिक में लेके बोलते हैं या इसलिए बोल अभी निकले हुआ देखो ये आँख में फूला है, बहुत थोड़ा दर्द है ऐसे ऐसे आँख खुला बंद करने से ना थोड़ा दर्द है, और सुबह में उठने से मतलब ऐसे थोड़ा सा ये बंद हो जाता है ऐसे, मतलब दिखाई नहीं देने तक ऐसे फूलता है थोड़ा, तो दिन में ठीक होते हैं पता नहीं, आज दवाई लगाएगा तो शायद से ठीक होना चाहिए ऐसे हो गया। सो वही बताना था कि वीडियो नहीं डाल रहा है ना, बहुत दुखी में चल रहा था, जिंदगी उल्टा हो रहा था, ऐसे चलता है तो आदमी का जिंदगी मान लो सबका ऐसे चल रहा है, मेरा ऐसे चल रहा था। बट हम ही अकेला नहीं है, बहुत ज़्यादा इंसान ऐसे है, हर एक इंसान स्ट्रेस में वही डालते हैं। और हाँ सबसे मेन रीज़न मेन बड़ा बात दोस्त लोग, हम जितना भी मेरा वीडियो देख रहे ना प्लीज़ डोंट डू देयर ना, कि आप लोग देखो हम लोग सिंगल है, हम सिर्फ नहीं बहुत ज़्यादा सिंगल है, तो सिंगल ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मतलब मत डालो ठीक है, जो रिलेशन में बेहतर है जिसका पास गर्लफ्रेंड है जिसका पास बॉयफ्रेंड है ठीक है, हम ऐसे 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 मतलब जस्ट ऐसे सिंपल इंसान का जैसा बोल रहे हैं, किसी का बेटा या बेटी वो तो ऐसे नहीं बोल रहे, जस्ट ऐसे दोस्त ऐसे बोल रहे, बोलना चाह रहे मतलब दोस्त दोस्त जिसका ना दोस्त लोग ना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, सिंगल वाला स्टेटस प्लीज मत डालो, समझ गया क्यों क्यों बोल रहे, समझ गया होगा। देखो ना हम लोग कितना मतलब यार लड़की सुंदर है रे, लड़का हैंडसम है रे, सोच के 2-3 दिन चक्कर लगाएगा, इसको चुप चुप के देखते रहेगा, लास्ट में पता चले उसका है, अरे यार है तो उसका उसका सब प्यार भरा दिल विल मोजी डाल के फोटो अपलोड मारो ना ये सब डाल के ठीक है, नहीं बन रही ऐसे कैसे होता है ऐसे नहीं बन रहा है, छोड़ो वो सब मेरा बस का बात नहीं। तो एनीवे समझ गया ना, फाइनल में हम ये बोलेगा ऐसे 3-4 2 पकड़ के भी सिंगल सिंगल स्टेटस डालते रहते हैं, मत डालो, हम सिंगल सोच के कितना पीछे पड़ता है पता है, है वो लड़का हैंडसम मेरे सिंगल सिंगल वाला स्टेटस डालते हैं ट्राई करेगा, वो लड़की सुंदर है रे सिंगल, वो तो सिंगल 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 वाला डालते रहते हैं ना, सिंगल है शायद से दोस्त लोग, अब इस बार हम लोग डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करके हम लोग पूरा वो करते हैं, लास्ट में पता चलता है मिंगल हो के मत डालो, कभी मत डालो ये सब काम, मत क्या करो बेच है बेच ना, और अपने पार्टनर को भी ऐसे डालने मत दो यार, डील में लगता है लास्ट में पता चलते है ऑलरेडी, यार मत करो ये सब ना। सो एनीवे थैंक यू सो मच, यह तक वीडियो जो जिस किसी ने भी देखा ना, बहुत दिन हो गया बोल के बोलने के लिए भी थोड़ा तो अजीब लग रहा है, कैसे क्या लास्ट में क्या बोलना चाहिए था, थैंक यू सो मच गाइस ना, आई थिंक थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच आप सब ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा ठीक है, तो बहुत लंबा भी थोड़ा हो गया, और तो इसको अभी हम एडिट एडिट तो नहीं करना होगा क्योंकि हमें सिंगल क्लिप में जा रहे हैं, तो एडिट तो नहीं करना होगा, जस्ट अपलोड मार रहे ठीक है ऐसे ओके। सो गाइस एनीवे फिर मिलते हैं कल परसों, कल को छोड़ के फिर परसों नरसों मिलेगा ना, बातें करेंगे मीनिंगलेस होने से भी तुम्हारे साथ हम रहना चाहते हैं, बातें बातें करेंगे बहुत दिन से, थोड़ी भी थोड़ा पकड़ लिया ना, गला भी थोड़ा ख़राब हो गया कल दरगाह पूजा घूमने किया था दोस्तों के साथ, तो ऐसे ओके मिलते रहेंगे, अभी जाना कहाँ है, जिसको जाना था तो वो चल गए और आने वाला तो एनीवे वो सब छोड़ो ना, तो थैंक यू सो मच, आने वाला कल को फिर मिलेंगे, और जाने वाला तो चलते जाएंगे, जाते रहना जाते रहने था ठीक है, तो आने हम लोग मिल आपस में रहेंगे इस समाज में मिलजुल के, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए ना, और जिस किसी ने भी ना सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लेकिन वैसे भी हम मांगता तो नहीं है ऐसे सब्सक्राइब कर दो कि समझ रहा होगा, पर जो देना चाहिए दे दो ना प्लीज़, और क्या बोलेगा और नहीं ना कुछ कुछ तो नहीं, और इसलिए यहाँ तक जो भी जिस किसी ने भी वीडियो देखा बस उसको फिर से वंस अगेन ना थैंक यू ना, और फिर देखते रहना सब्सक्राइब करना, जब भी हम आप उसे बात करना चाहेगा आप उसे बातें करेंगे फिर मिलेंगे मिलते रहेंगे ना, तो थैंक यू सो मच।
नमस्ते, बाय बाय।